आज झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज टाटा ट्रस्ट द्वारा स्थापित रांची कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है। रांची कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर देश में आदर्श कैंसर केयर संस्थान के रूप में पहचाना जाए, इसके लिए टाटा ट्रस्ट एवं राज्य सरकार आपसी समन्वय बनाकर इस संस्थान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर कही। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। राज्य में कैंसर अस्पताल कैसे बने, कैसे चले और बेहतर सुविधा के साथ कैसे चले, इसका प्रयास जारी था। अंततः वो दिन आज हमारे सामने एक यहां पर भव्य कैंसर अस्पताल बनके खड़ा है और आज ये जनता को समर्पित किया जा रहा है और मुझे लगता है कि यह अस्पताल इस राज्य के लिए एक माइलस्टोन होगा, क्योंकि यह अस्पताल ही नहीं, नोएल टाटा जी ने कहा यह एक रिसर्च सेंटर भी होगा और मैं चाहूंगा कि यह रिसर्च सेंटर का जो शुरुआत है, मैं टाटा ट्रस्ट से ये गुजारिश भी करूंगा कि ये रिसर्च सेंटर हम लोगों का देश के लिए भी एक माइलस्टोन बने, इस प्रकार इसको आगे बढ़ाने का ट्रस्ट के तरफ से प्रयास हो। और सरकार का ये संकल्प भी है, कोई भी गरीब हो, मध्यवर्गीय हो या पैसे वाले लोग हो, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कोई घटना ना घटे। राज्य में अगर कोई ऐसा मरीज होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो उनको भी हम लोग एयरलिफ्ट करके अच्छे अस्पतालों में ले जाने का हम लोग प्रयास कर। इस अवसर पर ट्रस्टी टाटा ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन नोएल टाटा ने अपने संबोधन में कहा कि टाटा ट्रस्ट बीमारी के निदान से पहले उपचार के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। लेडी विद द लैंप और आज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी है कि हम लोग यहाँ पर हैं और वो भी एक मेडिकल सेंटर के उद्घाटन के लिए जिसमें नर्सेज का बहुत ही ज्यादा योगदान है। और हम लोगों ने देखा कुछ सालों में जब कोविड 2 साल पूरा रहा कि कैसे हमारी नर्सिंग स्टाफ ने सेल्फलेस सर्विस दे के लोगों को ट्रीट ही नहीं किया, उनको फिर से स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ाया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई थिंक वी हैव ऑल हर्ड। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी, झारखंड स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार और टाटा मेडिकल सेंटर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।